नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा की बबेरू तहसील की ग्राम पंचायत बधेदू से है। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बधेदू निवासी पिन्नी उर्फ किशन मौर्या 40 वर्ष घर में परचून की दुकान किया था। आज शनिवार को शाम लगभग 5 बजे दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान के अंदर मौजूद पिन्नी बुरी तरह से जल गई और दुकान में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जले पिन्नी को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी पुष्पा का रो रोकर बुरा हाल है। इसके मात्र 2 वर्ष की एक बेटी है। मृतक 4 भाई हैं, 3 भाई पंजाब में रहते हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। आज दिनांक 10/2/2024 को कोतवाली बबूरी क्षेत्र के ग्राम भदेदू में समय लगभग 16:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि किशन मौर्या की दुकान में आग लग गई है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बबेरू ने फायर ब्रिगेड को सूचना देते हुए मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचकर तत्काल आग को काबू में किया गया तथा वहां पर बुरी तरह झुलसे हुए किशन मौर्या को तत्काल CHC बबेरू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक किशन मौर्या के पंचनामे की कार्रवाई कर आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। राम मूरत पटेल, क्या घटना हुई है आपके गांव में? ये किन्नू उर्फ किशन अपनी किराने की दुकान में बैठा था, पता नहीं कैसे आग लगी। तो आग लगने के कारण ये भागा तो काउंटर गिर गया, दरवाज़ा बंद हो गया, आग तेज़ी से अपना लपटें चलने लगी। हम लोग भागे लेकिन वहाँ अंदर घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। कितने बजे घटना है ये? अभी 1 घंटा हुआ, 4 बजे का। शादी हो गई थी। बच्चा भी है। क्या कारण रहा आग लगने की? कारण बस्ता तो बताता, आप कैसे लगी ये भी नहीं बता सकते, लेकिन आग लगी, पूरी दुकान जल गई। आग बुझाने के लिए कोई दमकल गया, गांव के लोगों ने प्रयास किया लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। किराने की दुकान थी, मिक्सर वगैरह सब कुछ तेल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।